मैं एक दुकानदार के यहाँ गया तो वहाँ से एक आदमी निकलता है। उसने बोला कि भाई गत्ता क्या भाव ले रहा है। तो मैंने उसको बताया भाई ये भाव ले रहा हूँ। तो पता क्या बोलता है, इतने में तो मैं यहीं बेच दूंगा, तेरे को क्यों दूंगा। तो मैंने कहा उसको दे देना भाई, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, किसी से प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नहीं, वो उसको मानता नहीं है, वो कहता है नहीं वो तुमको यही भाव ले जाना पड़ा। मैंने कहा मेरे को पड़ता नहीं है, मैं नहीं लूँगा। तो पता है क्या कहता है, ऐसा नहीं होता, ये होता है वो होता है। और एक बार ना पता है क्या हुआ मेरे साथ, इंटरेस्टिंग एक बात बताऊँ कि एक बार मैंने बताया था जब महंगा चल रहा था, तो मैंने महंगा बताया। अब देखो रेट कोई पूछेगा तो मैं वही बताऊंगा ना, तो अब सामने वाले को ये लगता है कि वो इसी भाव में लेके जाएगा। तो वो पता है 10 दिनों बाद मेरे को कॉल करता है, भाई ये है इतना गत्ता है तो इतने में लेके जाओ। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं इतने में नहीं ले सकता, मेरे को नुकसान हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो ज़बरदस्ती करने लगा, फिर मैं गए ही नहीं उस तरफ। क्योंकि इसलिए नहीं गए भाई, आप खुद कमेंट्स करके बताना कि देखो भाई दुकानदार का तो ऐसा कितना होगा नुकसान, लेकिन मेरा तो देखो बहुत सारा नुकसान होगा। क्योंकि देखो एक दो क्विंटल होता तो मैं झेल भी जाता नुकसान, 100-200 कुछ होता। तो अब वो 5-10 टन पर सीधा 5-10 हज़ार का खेल होता है, कि मतलब 5-10 हज़ार रुपये पड़ जाएंगे, कट पड़ जाएंगे। तो मेरा तो नुकसान ही हुआ ना, और मेरी गाड़ी अलग। तो भाई मुझे कृपया इसी बात को मैं दोबारा दोहराता था, इसीलिए मैं तेरे आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसी लगी मेरी ये बात, और वो लड़का गलत है या मैं।